यूपी के जनपद बुलंदशहर के एक परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि महिला का पति गोली लगने से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके से नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं, जबकि पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की जंक्शन चौकी क्षेत्र स्थित बिमला नगर कॉलोनी में 26-27 फरवरी में देर रात की है। बुलंदशहर SSP DIG संतोष कुमार सिंह की अगर माने तो 55 वर्षीय मंजू देवी की गोली लगने से मौत हुई है, जबकि उसका पति ओम प्रकाश गोली लगने से घायल हुआ है। क्या घटना हुई है? आवाज गोली के लिए आई दुआ और दुई आवाज मैया आवाज पाप एक दुई आवाज पापा नहीं दे इधर आवाज मैया हम सब को नहीं पते रे बाजी आए फिर हमने पाप मम्मी अपन नहीं देगी पापा ने को तो बाद में देखो पापा बाद में देगा मम्मी ने के अलाव तू जुलाव तू रन और पाप मम्मी हमारी खत्म हुई गए। क्या जनों को गोली लगी थी? एक एक गोली एक दुई फेर आई भाई आए क्या कारण रहा कि गोली मार की कौन चले गए? अब हमें जब हम देखो नहीं तब काम बस भट्टा ही भट्टा दुई सुनी है जब आई हम सुबह को उतरी हम सो ही रहते हैं सुबह को कितने दिन के रहे तो पापा मम्मी के रहे अब हालत ही पता ना अब जब मालूम है तो जवाब ही को है। पुलिस का दावा है कि घटना के वक्त घर का दरवाजा बंद था और किसी के आने या जाने का कोई साक्ष्य मौके से नहीं मिला, इसीलिए घर में मौजूद आरोपी बेटे यतेंद्र को प्राथमिक जांच के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस की माने तो मृतका के 4 पुत्र हैं, जिनमें से 2 कावड़ लेने गए हैं और 1 गाजियाबाद में मजदूरी करता है, जबकि प्राथमिक जांच में मृतका का पुत्र यतेंद्र जो घटना के वक्त घर में मौजूद था उसका इस गोलीकांड में नाम सामने आया है। घटना का कारण बताते हुए SSP ने कहा कि मृतका के पति ओम प्रकाश ने कुछ दिन पहले गांव में अपना एक प्लॉट बेचा था और उन पैसों को वह अपने दूसरे बेटे और बहू पर खर्च कर रहा था। पुलिस के अनुसार इसी के आधार पर मृतका के आरोपी बेटे यतेंद्र को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि परिजनों की तरफ से अभी तक पुलिस को तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, जबकि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। थाना खुर्जा नगर के जंक्शन चौकी क्षेत्र में बिमला नगर कॉलोनी है, वहाँ पे एक 55 वर्षीय महिला मंजू देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मृत्यु हुई है। उनके पति के सिर में भी गोली लगी है पीछे की तरफ, जिनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, मेरठ में इलाजरत हैं। इस प्रकरण में उल्लेखनीय यह है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, कोई भी व्यक्ति अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने का कोई साक्ष्य नहीं है। इसमें जो प्रथम दृष्टया आशंका है वो मृतका के पुत्र यतेंद्र के प्रति है, जो वहीं खुर्जा नगर में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। घर के अंदर वो मौजूद था, 3 बहुएं घर में थीं, 2 बेटे कांवड़ लेके बाहर गए हुए हैं, एक तीसरा बेटा गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। जो बातें सब निकल के आ रही हैं उसमें यह है कि जो बुज़ुर्ग ओम प्रकाश सिंह हैं जिनको गोली लगी है और घायल हैं, इनकी द्वारा लगभग 12.5 लाख रुपए में अपना एक गांव का प्लाट बेचा गया था, उसमें से कुछ पैसे से इन्होंने सार्वजनिक संपत्ति जमीन खरीदी थी, लेकिन शेष पैसे अपने एक बेटे बहू पे खर्च कर रहे थे, जिस बात को लेकर के पड़ोसियों का कहना है कि इनके घर में आए दिन बेटे जितेंद्र यतेंद्र और पिता माता में झगड़ा होता रहता था। कल भी गोली लगने के बाद आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा हो गए तो घर का दरवाज़ा उसके बाद खोला गया, क्योंकि अन्य कोई रास्ता है नहीं जिससे लोग बाहर जा सकें। तो प्रथम दृष्टया यतेंद्र को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और एक प्रकरण घर के अंदर का आपसी विवाद का। Time 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार, क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत।